जी, इस टाइम जो है कि मुख्तार ने एक मुस्लिम समिति जिसका नाम है, उसने कुरान की बेअदबी की, उसने कुरान पे पांव रखा और उसे फाड़ा और उसे जलाया, और ये कहकर कुरान की एक आयत पढ़ी कि अल्लाह कहता है कि कुरान की खुद ही हिफाजत करेंगे, तो कहाँ है तुम्हारा अल्लाह और इसकी हिफाजत क्यों नहीं करता। तो ऐसा वो कर दे रहा है, अल्लाह ताला ने उसे इख्तियार कर दिया है ऐसा करने का। जी अल्लाह सर, ने क्या उसे कहा भाई ने? क्या दिया है? ऐसे अल्लाह ने उसे इतनी तौफीक क्यों दी, क्यों वो ऐसा कर सकता है? और इसे देखकर मुझे बहुत दिल को तकलीफ पहुंची है, जी सर, क्या कहा भाई ने? अल्लाह ने अजाब क्यों उस पर नाजिल किया? वाजे वाजे आपका सवाल। कह रहे हैं शेख कि कोई एक मुस्लिम था जिसने कुरान को की बेहरमती की और कहा कि अल्लाह ताला ने कहा ना, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि अल्लाह ताला उसकी हिफाजत करने वाला है। तो अल्लाह ताला कहाँ उसकी हिफाजत करने वाला है और उसने कुरान की बेहरमती की। तो भाई का कहना ये है कि अल्लाह ताला ने कैसे उसको मतलब इतनी छूट दी कि वो उसने बेहरमती की, अल्लाह का अजाब क्यों नहीं उस पर नाजिल हुआ? जी बिल्कुल, देखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये फरमान कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान की हिफाजत कयामत तक करेगा और कुरान ये कयामत तक बाकी रहेगा। कुरान में कोई तहरीफ और तब्दील नहीं कर सकता, कुरान को कोई खत्म नहीं कर सकता, ये हमेशा बाकी रहेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन इसको जाए होने से इसकी हिफाजत करेगा, ये इसका मतलब है। ये एक बात। दूसरी बात, जो ये इशकाल, शैतानी इशकाल जो पेश कर रहा है ये शख्स कि कुरान की कोई बेहुरमती कर रहा है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको उस पर अजाब क्यों नहीं नाजिल कर दे रहा है, इसका जवाब ये है कि दुनिया के अंदर इससे भी बड़े बड़े गुनाह किए जाते हैं। लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैदा किया है, उनको रोजी देता है, उनको इस दुनिया में मालो दौलत देता है, उनको इज्जत देता है, शोहरत देता है, पता नहीं कौन कौन सी नेमतें देता है, उसके बावजूद भी लोग अल्लाह के साथ शरीक करते हैं और जो है गैरुल्लाह के को सजदा करते हैं, गैरुल्लाह की इबादत करते हैं। इससे बड़ा गुनाह तो दुनिया में कोई नहीं है, उसके बावजूद भी अल्लाह रब्बुल आलमीन उन लोगों को रोजी दे रहा है, दुनिया के अंदर इज्जत दे रहा है, इसकी क्या वजह है? ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से ऐसे लोगों के लिए मोहलत है और अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको जितनी मोहलत दे रहा है ये मोहलत उनके लिए नेमत नहीं है, ये मोहलत उनके लिए अजाब है। उनके अजाब में और ज्यादती हो रही है, उनके गुनाह में और ज्यादती हो रही है, ये अल्लाह ताला की सुन्नत है। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन गुनाहों पर फौरन पकड़ करने लगे तो दुनिया के अंदर कोई मुशरिक रहेगा? ये अल्लाह की सुन्नत है। आप सोचिए कि शिर्क जो सबसे बड़ा गुनाह है, अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसको कभी माफ नहीं करेगा, एक इंसान पत्थर के सामने, गैरुल्लाह के सामने सजदे करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन सब कुछ देख रहा है, फिर भी अल्लाह उसको गारत नहीं कर देता है दुनिया में, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको मोहलत दे रहा है, उसको छूट दे रहा है। इसका ये मतलब नहीं है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उस पे कादिर नहीं है। आखिर में कयामत का दिन, आखरत का दिन किस लिए है? तो ऐसे लोग जब कयामत में और आखरत में आएंगे तो उनको पता चलेगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत क्या है। और ये जो छूट उनको मिल रही है वो ये मत समझे कि उनके लिए ये कोई नेमत है, ये उनके लिए और अजाब के अंदर ज्यादती है, और यही अल्लाह रब्बुल आलमीन की सुन्नत है। आप सोचिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत हुई मक्का के अंदर, अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहता तो यक बैग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो लोग सताते थे सबको गारत कर देता, अल्लाह रब्बुल आलमीन इस बात पर कादिर है, लेकिन अल्लाह ताला ने ऐसा नहीं किया। ये अल्लाह की हिकमत है। पहली हिकमत तो ये है कि ऐसे लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन मोहलत दे करके उनके अजाब में ज्यादती कर रहा है। दूसरी हिकमत यह है कि इससे मोमिनों की जो आजमाइश हो रही है और मोमिन जो सब्र कर रहे हैं इस पर उन्हें अजर मिलेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों को चाहे तो दुनिया के अंदर इबरत बना दे, लेकिन ये अल्लाह की सुन्नत है। पूरी कायनात में आप गौर करके देख ले तो अल्लाह की यही सुन्नत जारी है।